चीनी टेक कंपनियों में बड़ा नाम शाओमी भारत छोड़कर जा रहा है। भारत सरकार की शाओमी पर कार्रवाई, कंपनी की संपत्तियों को फ्रीज करना, क्या रास नहीं आया शाओमी को? और छोड़कर जा भी कहां रहा है? पाकिस्तान। क्या ये सभी खबरें सच हैं? क्या शाओमी ने भारत छोड़ने और पाकिस्तान में कामकाज शिफ्ट करने का मन बना लिया है? चलिए जानते हैं आज के अपने इस वीडियो में। शुरुआत खबर से करते हैं। दरअसल साउथ एशिया इंडेक्स के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया था, चाइनीज मोबाइल मेकर शाओमी भारत सरकार की ओर से 676 यानी $676 मिलियन की संपत्ति को फ्रीज करने के बाद अपना कामकाज पाकिस्तान शिफ्ट कर सकती है। इस खबर के बाद से ही ये मुद्दा काफी वायरल हो रहा है कि क्या सच में शाओमी भारत को छोड़ पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा है। लेकिन आपको बता दें, इस मुद्दे पर खुद शाओमी की ओर से साउथ एशिया इंडेक्स के ट्वीट पर रीट्वीट कर जवाब दिया गया और जिसमें कहा गया, ये ट्वीट पूरी तरह से झूठा और निराधार है। शाओमी ने 2014 में भारत में प्रवेश किया था। हमारे भारत के संचालन के एक वर्ष से भी कम समय में हमने अपनी मेक इन इंडिया यात्रा शुरू की थी। हमारे 99% स्मार्टफोन्स और हमारे 100% टीवी भारत में ही निर्मित होते हैं। हम अपनी प्रतिष्ठा को झूठे और गलत दावों से बचाने के लिए सभी उपाय करेंगे। दरअसल शाओमी इंडिया पिछले कुछ वक्त से सरकारी एजेंसियों के रडार पर है। वजह है टैक्स में हेराफेरी, फेमा की धारा 4 का उल्लंघन करना और रॉयल्टी के नाम पर धोखाधड़ी करना। ये वो कारण है जो शाओमी के कामकाज करने के तरीकों पर सवाल खड़ा करते हैं। ईडी की माने तो शाओमी अपने ही सहयोगी ब्रांड्स को रॉयल्टी के नाम पर पैसा भेज रही है। इसलिए ईडी ने इस मामले में 29 अप्रैल 2022 को आदेश जारी कर शाओमी को फेमा की धारा 4 का उल्लंघन करते पाया गया, जिस कारण से ईडी ने शाओमी इंडिया के 5,551 करोड़ रुपए के फंड को सीज करने का आदेश दिया। इस आदेश को फेमा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी भी मिल गई है। अब जाहिर है इस तरह की कार्रवाई से कंपनी के लिए इस त्योहारी सीजन में काम कर पाना तो मुश्किल हो जाएगा। दिवाली का मौका है और शाओमी भारत में स्मार्टफोन बाजार का एक बड़ा प्लेयर है। ये कार्रवाई कंपनी के लिए काफी नुकसानदेही साबित होगी।